मैं शेयर करती हूँ अभी स्क्रीन। ये कंटेंट है, पहले मैं कंटेंट शेयर करके दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना सब कुछ है, कुछ भी ऑप्शन पे नहीं छोड़िएगा। हो सकता है कि एक ही चैप्टर से सारा क्वेश्चन आ जाए, इसीलिए ऑप्शन पे नहीं छोड़ने बोली हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अनप्रिडिक्टेबल रहा है इसका क्वेश्चन आज तक जो मैंने देखा है 2 ईयर का, ठीक है ना, 2 ही साल का मुझे अवेलेबल है। आप लोग भी अपना जरूर मुझसे शेयर करिएगा जब क्वेश्चन आएगा तो। और इसका पेपर मेरे ख्याल से लास्ट डे है ना आप एक्सटर्नल पेपर के, यस मैम। ठीक है, तो जब भी है उससे पहले भी अगर कोई हेल्प चाहिए, अभी हमारे पास टाइम है, आप लोग का जो भी एग्जाम है उसका तैयारी करिए। और इस एग्जाम के पहले अगर कोई गैप होगा या टाइम मिले या कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझसे टच में रहना, मैं बता दूंगी, ठीक है। ये है अप्रोचेस टू आईआर, बहुत सिंपल है, अगर आपने ये नोट्स खोल के देखा होगा तो। दिख रहा है क्या? यस मैम। ओके, तो बस इसमें कुछ नहीं है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, इसमें दो अप्रोच है जो इनसे शॉर्ट नोट्स आ सकता है, अगर फुल आंसर ना भी आए तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है इससे, ठीक है। एक सेकेंड, साइकोलॉजिकल अप्रोच यानी वेजेज बेनिफिट वर्किंग कंडीशन ठीक होने से, अगर आपका क्या होता है कि मेंटली यू फील सेटिस्फाइड, और ये सोच करके कि जब तक हमारे एम्प्लॉय मेंटली हैप्पी और सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, काम नहीं कर पाएंगे और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, इसका ये मानना है साइकोलॉजिकल अप्रोच का। उसके बाद जो जॉब होता है वो हमारे स्टेटस, हमारे प्रेस्टीज, हमारे सोशल इसको भी शो करता है, तो रिकॉग्नाइज करता है, इसीलिए इस सब चीजों से रिलेटेड, अगर इन सब चीजों को सेटिस्फाई करता है कोई ऑर्गेनाइजेशन या उसका कल्चर या उसका जो भी नॉर्म्स है, तो एम्प्लॉय विल बी हैप्पी बिकॉज देयर साइकोलॉजिकल नीड्स गेट सेटिस्फाइड। थोड़ा क्विकली मैं इसको एक बार दिखा देती हूँ। सोशियोलॉजिकल क्या हो गया, नंबर ऑफ सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज वैल्यू, कस्टम, बैकग्राउंड, ट्रेडिशन, जिससे हम आते हैं, लेबर एंड मैनेजमेंट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट सोशल कल्चर बैकग्राउंड, है ना। तो उसमें क्या है, अर्बन है, रूरल है, जो रूरल लोग पलायन करके अर्बन एरिया में आते हैं, वहां से वो क्लास कर वहां से वो सॉरी जॉब कर सॉरी वहां से वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं और काम करते हैं, तो उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, जो गांव का माहौल होता है वहाँ एकदम हेल्दी एटमोसफेयर होता है, वहाँ पोल्यूशन में रहना पड़ता है, बहुत छोटे से जगह में उनको जीवन यापन करना होता है, बहुत ज्यादा वहाँ पे प्रॉब्लम है घर का, ठीक है ना, रेसिडेंशियल प्रॉब्लम है, छोटे छोटे चौल में रहते हैं जबकि घर पे बहुत बड़ा घर और जमीन होने के बावजूद भी, क्योंकि वो वहाँ जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो वहाँ का कैसा है, जो लोग डिसइंटीग्रेट करके होते हैं, होम सिकनेस वाली प्रॉब्लम आती है। तो सोशियोलॉजिकल अप्रोच भी है कि वर्कर्स किस तरीके के मिजरी को झेल रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, एंड सच सोशियोलॉजिकल चेंजेस इंपैक्ट इंडस्ट्रियल लाइफ सिग्निफिकेंटली, क्योंकि अगर वो घर से खुश नहीं है, घर से खाकर नहीं आते, जहाँ रहते हैं वहां का माहौल ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी नींद पूरी नहीं होती है, या आसपास के लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, तो उसका उसको असर पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसको भी असर पड़ेगा। और सोशियोलॉजिकल अप्रोच ये है कि आप उसको कितना बेनिफिट देते हैं, जैसे कि कुछ लोग टाटा का एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है वहां पे, कैंटीन का सुविधा है वहां पे उनका हाउसिंग सोसाइटी अपना है टाटा ग्रुप के इंडस्ट्रीज के लिए, तो क्या होता है कहीं ना कहीं वो आपके इन सब चीजों का ख्याल कर रहा है, वहां पे भी इन चीजों से भी इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड है, ठीक है ना, इसका रिलेशन दिखा रहा है कि कैसे सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। म्यूट कर लीजिएगा, कहीं से आवाज आ रही है, ठीक है। तो सोशल अप्रोच हो गया, मैम साइड स्क्रीन शेयर कीजिए ना। मैंने पूछा ना, स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तोशी, मैम अटक गया है जहां पे लिस्ट है ना आपका वहीं पे। ओके ठीक है। दिख रहा होगा, बता दिया करो, मैंने पूछा तो समय से, यस मैम। ठीक है। तो सोशल अप्रोच हो गया, मैं थोड़ा सा बताती हूँ, तुम लोग पढ़ोगे तो समझ जाओगे, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच,
ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अच्छे से हम लोगों को पता है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सेंटिमेंट्स, आपके फीलिंग्स, आपके एटीट्यूड, जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है या इनफॉर्मल जो वर्क एसोसिएशन होता है वो ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्बिशंस को, गोल्स को फुलफिल करने में, रादर देन फॉर्मल जो उनका फॉर्मेट होता है या हायरार्की होता है उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है कि कितना ज्यादा आपके मैनेजर्स, आपके जो वर्कर्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, उनके जो नीड्स हैं, जो उनके मोटिवेशन है, उसको हम ध्यान में रखते हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक दोनों ही इश्यूज को एड्रेस करना होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तभी वहां पे साइकोलॉजिकल एंड सोशल दोनों रिदम में रह सकता है और फिर वहां पे वर्कर्स ठीक काम करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर होगा। एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड इवन इफ यू आर पेइंग अ वेरी हेफ्टी सैलरी, इट डजंट गोइंग टू मेक एनी सेंस फॉर योर गोल, है ना। तो ये दोनों, ये तीनों सोशल अप्रोच दोनों ही चीजों को ध्यान में रखता है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स जो मिलते हैं एम्प्लॉयज को, उन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये अप्रोच है, ठीक है ना। नाउ गिरी अप्रोच, गिरी अप्रोच क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग में? गिरी अप्रोच एक है जो हमारे प्रायर प्रेसिडेंट वीवी गिरी थे, उन्होंने जो फील किया था जब वो ट्रेड यूनियन लीडर थे, तो उन्होंने जो फील किया था तो उन्होंने कुछ अपनी तरफ से पॉइंट जोड़े थे जिसको गिरी अप्रोच में रखा गया था। जैसे ट्रेड यूनियन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन के लिए जाना चाहिए बिफोर गोइंग फॉर कंपल्सरी एडजुडिकेशन। हम लोग अब ये सब पढ़ चुके हैं, आर्बिट्रेशन क्या है, आप अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी आर्बिट्रेटर को चुनते हैं। जैसे गांव घर में हमने बताया कि हम पंच को रखते हैं और जो दो पड़ोसी होते हैं या जो दो लोग, दो पार्टीज होते हैं डिस्प्यूटिंग पार्टीज, वो अपनी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए उनपे अपनी आस्था को दिखाते हैं कि आई बिलीव इन यू, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, और आप जो भी डिसीजन करिएगा हम मानेंगे। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट हो उसको सुलटाने के लिए ट्रेड यूनियन अगर है तो ट्रेड यूनियन को सबसे पहले पहल करना चाहिए किस पर, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन पे बिफोर गोइंग टू द कंपल्सरी एडजुडिकेशन। कंपल्सरी एडजुडिकेशन का क्या मतलब हुआ, जहां पे कोर्ट गवर्नमेंट रेफर करती है कोर्ट को आपका केस, ठीक है ना, जहां पर उनका डिसीजन बाइंडिंग हो जाता है आपके लिए और शायद नेशनल ट्रिब्यूनल के ऊपर आप अपनी गुहार लगा भी नहीं सकते, तो वहां पे थ्री टायर जरूर है। कंपल्सरी एडजुडिकेशन में देर इज एन अरेंजमेंट फॉर थ्री टायर जो कहते हैं अपील करने का, ठीक है ना, तो वो लेबर ट्रिब्यूनल है, तो वो उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है और फिर नेशनल ट्रिब्यूनल है, लेकिन दैट वाज द फाइनल स्टेज। अच्छा ये होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन को, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखने के लिए, तभी तक अच्छा माना जाता है कोई भी निगोशिएशन जब तक वो म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट के बेसिस पर हो, तो ये लास्ट पायदान है म्यूचुअल आर्बिट्रेशन। समझ में आया, या वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये गिरी अप्रोच है। और फाइनली गांधीयन अप्रोच, ये गांधी जी ने एक्सेप्ट किया था, गांधी जी एक्सेप्टेड द वर्कर्स राइट, उन्होंने कहा कि वर्कर्स को ये पूरा हक है कि वो अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बेनिफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट कर सके, ठीक है ना, प्रोटेस्ट किस तरफ से, स्ट्राइक के रूप में, लेकिन दैट स्ट्राइक शुड बी नॉन वायलेंट मैनर, ठीक है ना ही एम्प्लॉयर को वायलेंस करना है और ना ही एम्प्लॉयज को अपने साइड से अपना आपा खोना है, अपना पेशेंस खोना है, तो ही एडवोकेटेड ट्रस्टीशिप थियरी। यानी ट्रस्टीशिप थियरी का मतलब हो गया कि वट एवर वेल्थ बिलोंग टू द सोसाइटी द एंटरप्रेन्योर्स आर द ओनर्स ऑफ द एंटरप्राइजेस आर गोइंग टू यूज दैट इन द फॉर्म ऑफ लेबर, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन सोसाइटी एंड ओनली यू आर गोइंग टू रिफॉर्म इट इन टू द सम अदर यूजेबल फॉर्म। तो आपको सोसाइटी पे आप बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, तो क्या हुआ कि सोसाइटी पे जब आपका इतना ज्यादा डिपेंडेंस है मैन पावर को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, फिजिकल रिसोर्सेज को लेकर के, मशीनरी को लेकर के, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के, हर चीज के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी, तो सोसाइटी क्या है, ट्रस्टीशिप थ्योरी है, आपको इनके फेवर में काम करना चाहिए।
ओनर्स आर देयर टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी. आप सिर्फ सोसाइटी से लेने के लिए नहीं है, क्योंकि आप जब सोसाइटी से लेते हो और उसको फॉर्म चेंज करके उनके बीच में बेचते हो तो आपको प्रॉफिट होता है, सोसाइटी को उनके नीड फुलफिल होते हैं. लेकिन इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस यू समहाउ यू हार्म ऑल्सो सोसाइटी. आप पोल्यूशन फैलाते हैं, आप वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं, आप एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, आप इन सब चीजों को कंपनसेट करिए. समझ में आ रहा है? ये कंपनसेट करना ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, ठीक है ना? ये उनकी जिम्मेदारी है, तो आप ये जिम्मेदारी लीजिए. दैट इज व्हाट ट्रस्टीशिप थ्योरी सेज. समझ में आ रहा है ये? इसके बेसिस पर बाद में हमने सीएसआर पढ़ा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा. तो बेसिक जो हाइलाइट्स थे यही पांच अप्रोच है मैंने बता दिया. अगर इससे ऑब्जेक्टिव आएगा तो मत छोड़ना. सबसे पहले साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल मतलब वो हमारे मेंटल नीड से रिलेटेड है, ठीक है ना, हमारे फुलफिलमेंट से रिलेटेड है, हमारे इमोशन से रिलेटेड है. सोशल यानी हमारा सोशल स्टेटस, हमारे रहने सहने के तौर तरीके, हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं. माइग्रेंट है तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है वर्कर्स को रहने में, ट्रांसपोर्टेशन में, खाने में, इन सब चीजों का ख्याल रखा जाता है कि नहीं. ये सोशल एचआर, यू नो ह्यूमन रिलेशन नीड क्या है, यानी आपको फिनेंशियली एंड नॉन फिनेंशियली, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक बोथ नीड्स को केयर किया जाए, ये तभी इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर रहेगा. गिरी आप रुचित सिंह की ट्रेड यूनियन अगर है तो ट्रेड यूनियन को म्यूचुअल ट्रस्ट के बेसिस पर पहले आपको वॉलंटरी आर्बिट्रेशन में चाहिए जाना चाहिए बिफोर कंपल्सरी एडजुडिकेशन, ठीक है. बाई पार्टाइट मैसेजरीज आर मोर रिलायबल इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस, ठीक है ना. अगर आप इंडस्ट्री में पीस बना के रखने चाहते हो तो तब तक ही अच्छा संबंध रहेगा जब तक कि किसी तीसरे को आकर के बीच बचाव ना करना पड़े. वंस देयर इज इंटरवेंशन ऑफ सम थर्ड पार्टी, आप नहीं कह सकते कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है ना. ठीक है, हाँ, एक बार आउटसाइड, सोशल अप्रोच फिर से बता हाँ दीजिए. ठीक है. सोशल अप्रोच में फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ. सोशल अप्रोच मतलब क्या? हर एक एम्प्लॉय, हर एक लेबर और मैनेजमेंट, दे कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है. तो जितना भी अर्बनाइजेशन हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अभी तक ये विडंबना है कि सारे बड़े बड़े शहरों में हुआ. हमारे यहाँ बिहार के कैपिटल सिटी जैसे जगहों में कोई खास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना, जिससे कि हम पलायन को रोक सके. तो जब इतनी बड़ी संख्या में लोग एक एरिया को पलायन करेंगे तो वहां पे ऑब्वियसली महंगाई बढ़ेगी, है ना. वहां पे रहने का कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. वहां पे लोग ज्यादा होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन का जो क्षमता है वो बढ़ाना पड़ेगा, जिससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ेगा. ज्वाइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. कल से बच्चे की एग्जाम है और मुझे यहाँ आकर के आप लोगों को पढ़ाना है, तो उसका एग्जाम का कैसे होगा? 7 years old has to take care of his exam himself. तो ये क्या है? ज्वाइंट फैमिली नहीं है, ठीक है. जो है फैमिली में वो हेल्प नहीं कर सकता. अगर सब लोग होते तो कोई ना कोई हेल्प कर देता. तो ये सब वजहों से बहुत सारी मेंटल, बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है इम्प्लॉयज को. क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज या नॉर्म्स इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रही है, ठीक है, उनको किसी भी रूप में कम करने का, ठीक है, अबॉलिश नहीं कर सकती लेकिन मिटिगेट करने की कोशिश कर रही है. समझ में आया? तो अगर ऐसा है तो योर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दे एक्चुअली वांटेड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम्स व्हिच इज वेरी बेसिक एंड वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एवरी एम्प्लॉय हैज टू हैंडल, ठीक है ना. तो ऐसे कंफ्लिक्टिंग सिचुएशन में आप किस तरीके से हेल्प दे सकते हैं? मैंने इसी के एग्जाम्पल में आपको टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल दिया, जिन्होंने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉयज को, जो अपने एम्प्लॉयज के लिए एकदम हाउसिंग सोसाइटी बना के देते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल तक का व्यवस्था करते हैं कि जिस एरिया में है, अगर वो रूरल एरिया है तो उनके बच्चे पढ़ने के लिए काफी दूर ना जाए, एक अच्छा स्कूल उनके आसपास रहे, ठीक है. वो अगर कोई लेबर घर से ऑफिस पहुंचता है, सपोज कर वो टिफिन नहीं बना के आ पाता है या घर में इतनी सुविधाएं नहीं है, वो अकेला रह रहा है, तो क्या होगा? उसको वहां पे एक सब्सिडाइज रेट पे खाना मिल जाए. तो ये सब चीज क्या है? आपके बेसिक प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई किया जा रहा है. और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो ऑब्वियसली बेहतर होगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसके बेसिक प्रॉब्लम को कुछ हद तक कम कर रहे हैं, ठीक है. तो वो फोकस कर पाएगा अपना ऑर्गेनाइजेशन के काम पर. क्लियर? ठीक है. दीज आर डिफरेंट अप्रोचेज आई आर का. ये डिफरेंट कुछ लोगों का मानना ये है,
कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सोशल अप्रोच की एडवोकेसी करते हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिकल जो थॉट है वो साइकोलॉजिकल अप्रोच को करते हैं। बाद में जो हमारा मॉडर्न ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आया वो बोलता है कि ह्यूमन को मशीन की तरह मत ट्रीट करो, दे आर इमोशनल, दे आर थिंकिंग बींग, दे आर लिविंग बींग। तो क्या आप उनके दिमागी जो भूख है, दिमागी जो रिक्वायरमेंट है, उसको क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पर निर्भर करता है। एंड देन गिरी अप्रोच एंड गांधीयन अप्रोच। गिरी अप्रोच इज मोर एडवोकेसी टुवर्ड्स म्यूचुअली कैसे आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है ना। तो जो फाइनल हमारा है आर्बिट्रेशन वाला, म्यूचुअल आर्बिट्रेशन, उस पर ही जाके रुक जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर ज्यादा पीस बना रहेगा। अदरवाइज थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से प्रॉब्लम होगा। एंड गांधीयन अप्रोच की इम्प्लॉयज को पूरा हक है अपने राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्राइक करने का, अगेंस्ट में आवाज उठाने का, बट दैट शुड बी नॉन वायलेंट। और ये दोनों साइड से नॉन वायलेंट मैनर में आप कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी कर सकता है। एंड उन्होंने ये भी कहा जो इम्प्लॉयर है दे आर एक्चुअली ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, जो जो सोसाइटी से इतना कुछ लेते हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए काम करे, ठीक है। मिनिमम वेजेस से कम नीचे ना पे करे अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है ना। जो भी मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड किया गया एटलीस्ट वो उतना जरूर पे करे। उसके बाद वर्कर्स के कंसाइंस में अपीलिंग वो चीज, ठीक है। तो ये सारी चीज नॉन वायलेंट पे मोस्टली उनका फोकस है, ठीक है। या आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं जहां पे हमने उस दिन बात को खत्म किया था, उसको खत्म कर देते हैं। और मैंने कलेक्टिव बार्गेनिंग शेयर किया था तो उसी पढ़ के देखना, कुछ ऐसा नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है तो बता दो, मैं उसको अभी डिस्कस कर लूंगी। चलो एम्प्लॉय डिसिप्लिन देख लेते हैं, ये शेयर हुआ क्या? यस मैम, यस मैम। एम्प्लॉय डिसिप्लिन में भी पॉजिटिव डिसिप्लिन, नेगेटिव डिसिप्लिन और सेल्फ डिसिप्लिन देख चुके थे हम लोग। अभी क्या है जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। अगर मैं बहुत फास्ट रहूंगी तो मुझे टोक देना, ना समझ में आए तो टोक देना। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन, इससे पहले ये है कि अप्रोचेस टू डिसिप्लिन। तो हम लोगों ने पॉजिटिव डिसिप्लिन और नेगेटिव डिसिप्लिन आपको मालूम है। पॉजिटिव डिसिप्लिन जब आप कोई भी काम फियर के डर से नहीं करते हैं, आप मोटिवेटेड होते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और तब आप अपने आप को डिसिप्लिन रखते हैं, ठीक है ना। यू हैविंग योर यू नो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि भीड़ भाड़ में बच्चे क्या होता है, नॉर्मली बदमाशी करते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में बहुत सारा भीड़ आया हुआ है, किसी शादी में, किसी दूसरे इवेंट में, तो उस समय हम चाहते हैं ना कि हमारे घर का माहौल अच्छा बना रहे, ताकि जो भी गेस्ट आए हैं वो एक अच्छा इम्प्रेशन लेकर के हमारे घर से जाए, है ना। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिसिप्लिन है। इसमें कभी गार्जियन आपको सख्ती नहीं करे, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल एनफ कि आप देखे किस तरीके का माहौल बना रहे। कोई फियर नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है इसमें। नेगेटिव डिसिप्लिन जब आप डर के मारे अनुशासित रहते हैं, जब आपको पता है कि अगर हमने बात किया क्लासरूम के अंदर तो नीतीश से क्लास से बाहर निकाल देंगे, है ना, उदार सर अटेंडेंस काट देंगे, देन यू आर मेंटेनिंग डिसिप्लिन, दैट इज नेगेटिव डिसिप्लिन, ठीक है ना। ये करने की जरूरत है तो अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए ऐसा, ठीक है, क्योंकि अब आप लोग नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे नहीं है, वहां तक चलता है, ठीक है, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन मतलब थोड़ा अलग है। अप्रोच ऑफ प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन क्या है कि अच्छा ठीक है, गलती हो गई तो गलती जिस हिसाब से हुई है उसी हिसाब से पनिशमेंट दो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि छोटे बहुत गलती के लिए आपने क्या क्या बहुत बड़ा कुछ पनिशमेंट कर दिया, और कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी, किसी के साथ बहस कर लिया, किसी का कॉल पकड़ लिया, इसने कोई बहुत बड़ी कोई अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल किया जो नहीं करना चाहिए उस प्रीमिसेस में, तो आप उसको किस तरीके का डिसिप्लिनरी एक्शंस को ले सकते हैं, ये कहलाता है प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन। यानी कि जितनी बड़ी गलती उतना बड़ा पनिशमेंट, प्रपोर्शनेट, ठीक है ना। कभी ऐसा नहीं लगना कि इनअप्रोप्रिएट पनिशमेंट दे दिया, छोटी गलती के लिए कोई बहुत बड़ा, जहाँ वार्निंग दे करके छोड़ा जा सकता था, जहाँ मेमो दे करके छोड़ा जा सकता, वहां आपने क्या किया, सीधा एम्प्लॉय को डिस्चार्ज कर दिया, ठीक है ना, ये गलत है। तो ये चीज प्रोग्रेसिव डिसिप्लिन के अंदर है कि जो भी पनिशमेंट है दैट शुड बी एप्रोप्रिएट टू द मिस्टेक, या जो भी गलती हुई है उसके प्रपोर्शनेट होना चाहिए, राइट। इसी को
किसी को जस्टिफाई करने के लिए डगलस मैकग्रेगर ने एक रेड स्टोव रूल दिया था, आपको जानना चाहिए ये रूल, ठीक है ना। मैं कहानी के रूप में तुमको बताती हूँ, तुम पढ़ के समझ लेना कि कैसे मुझे लिखना है। रेड स्टोव रूल जो नाम है वो अपने आप में एनालॉग या मेटाफोर के रूप में यूज किया जाता है। मेटाफोर में किसको बोलते हैं बताती है, एनालॉग किसको बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर किसी साड़ी पे, मैं बस तुम्हें छोटा एग्जांपल दे रही हूँ कि उसको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, कि बहुत ज्यादा छोटे 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 छोटा बूटा या कढ़ाई किया हुआ, तो बोलते हैं ना जैसे लगता है आसमान में सितारे जड़े हुए, ठीक है ना, कवियों को वो ऐसा नजर आता है, राइट। तो ये क्या है, कंपेरिजन है, हाँ ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी चीज से आपने किसी चीज को कंपेयर किया कि इट सीम्स लाइक दैट, इससे चीजों को हम मेटाफोर बोलते हैं। तो यहाँ जो रेड स्टोव रूल है वो एनालॉग या मेटाफोर के रूप में यूज किया गया है, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, किस तरीके से इसको मैकग्रेगर ने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्या होना चाहिए जब आपको किसी को पनिश करना है या किसी ने गलती की। तो फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू रेड हॉट स्टोव रूल, द फर्स्ट स्टेप इज Burns immediately, मतलब ये नहीं कि तुरंत जला दो, it's simply comparison कि अगर कोई गलती है उनको तुरंत वार्निंग दो, उनको तुरंत इस बात का फील करवाओ, एहसास करवाओ कि यू मेड दिस मिस्टेक एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई वी आर गिविंग यू वार्निंग, लेकिन आप ऐसे नहीं करेंगे। मतलब कि बर्न्स इमिडिएटली का मतलब होता है जैसे ही गलती हुई उनको पता चल जाना चाहिए कि मुझसे गलती हुई, ठीक है। उनको आप समझाइए कि ये गलत था, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं था, आगे से आप ऐसा मत करिएगा, तो उनको क्या होगा, पता चलेगा कि ये चीज गलत है। कई बार हम ये बताने में रुक जाते हैं या डिले कर देते हैं, तो जितना डिले मैनेजमेंट के साइड से होगा या जितना डिले किसी दूसरे साइड से होता है ये बोलने में कि आपसे गलती हुई है, लोग धीरे धीरे अपने आप को ये समझा लेते हैं कि मुझसे तो कुछ गलती हुई ही नहीं, मुझसे गलती हुई होती तो मुझे टोका जाता, राइट। तो पीपल विल कन्विंस देमसेल्फ, ऐसे भी हम अपनी गलती बहुत मुश्किल से मानते हैं, ठीक है ना। ह्यूमन बींग हैज टेंडेंसी ऑफ समथिंग, इनहेरेंट टेंडेंसी कि हमारी गलती नहीं है, पूरी दुनिया गलत है पर मैं गलत नहीं, ठीक है, ये मेरे में भी है, ये पात्रों में भी होता है। तो अगर आपको ऐसा सबके अंदर होता है, तो अगर कुछ गलती हुई मेक देम रियलाइज कि आपने ये गलत किया है इमीडिएटली, क्योंकि बहुत बाद में बोलेंगे तो वो भूल जाएंगे कि उनसे कोई गलती हुई, राइट। तो बंस इमीडिएटली का ये मतलब हुआ, प्रोवाइड्स वार्निंग, ठीक है, पहली बार आपने उनको बता दिया कि ये गलत है और उनको उसी समय एहसास हो गया उनकी गलती का। देन आपको क्या करना है, देन यू हैव टू से कि देखो ऐसे जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है इसके लिए ये पेनल्टी है हमारे यहाँ, दिस टाइम वी आर नॉट पेनलाइजिंग यू बिकॉज यू हैव डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, लेकिन संभल जाओ, ठीक है ना। अब इसको कैसे उन्होंने कंपेयर किया रेड हॉट स्टोव से, जितना नजदीक आप जाते हैं उस किसी जलते हुए स्टोव के, जलते हुए चूल्हे के, आपको उसका हीट उतना ज्यादा वार्म करता है कि नाउ डोंट कम, ठीक है ना, नहीं तो आपको ये गर्मी जला सकती है ना। अगर आप और ज्यादा नजदीक आए तो तुम जल जाओगे। इट इज गिविंग वार्निंग टू एवरीबॉडी हूएवर ट्राइंग टू गो वेरी क्लोज टू दैट पर्टिकुलर बर्निंग फर्नेस या स्टोव, राइट। यस मैम, ठीक है, प्रोवाइड्स वार्निंग हो गया, उसके बाद गिव्स कंसिस्टेंट पनिशमेंट, यानी कि कोई भेदभाव मत करो, ठीक है ना, वो नेता का बेटा हो, वो आईएएस का बेटा हो, वो आईपीएस का बेटा हो, वो क्लर्क का बेटा हो, वो किसी किसान का बेटा हो, वो किसी मजदूर का बेटा है, अगर आपको सजा देनी है तो एक जैसी गलती के लिए एक जैसी सजा होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कोई मैनेजमेंट पक्ष का है, कोई यूनियन पक्ष का है, कोई आम काम करने वाला आदमी, कोई भी है, द पनिशमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द जो भी उससे गलती हुई है, ठीक है ना। डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी कंसिस्टेंट विद एवरीवन, ठीक है ना, इसको आप इनकंसिस्टेंट नहीं कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते, लीडर है तो कम सजा दो नहीं तो ये सारे वर्कर्स को लेकर के चले जाएगा इस डर से, या फिर वर्कर है तो इसको ज्यादा सजा, इसको निकाल भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे नहीं, इट शुड बी कंसिस्टेंट। कैसे, जैसे एक आग हर एक आदमी को इक्वल रूप से जलाता है जो उसके जितना नजदीक जाएगा, ठीक है ना, है ना।
वो भेदभाव नहीं करता लोगों के बीच में। अगर आप जितनी छेड़खानी करेंगे आपके साथ या जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे, आपको भी उतना ही हार्म करेगा जितना कि वो किसी और को करेगा। वो किसी भी बेसिस पे, कास्ट, रिलीजन, रीजन, किसी भी बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं करता, बड़ा, छोटा, रिच, पुअर, किसी भी बेसिस पे नहीं। सिमिलरली इट शुड बी कंसिस्टेंट, दैट मीन्स गिव कंसिस्टेंट पनिशमेंट, बर्न्स इम्पर्सनली, यानी कि द डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इम्पर्सनल, यानी कि वो मैनेजर का बेटा भी है, यहाँ तो कंसिस्टेंट हो गया यानी सबके लिए एक जैसा, और इम्पर्सनल यानी किसी के साथ फेवरिज्म करने की जरूरत नहीं है। सेम थिंग बट सेड इन अनदर सेंस, कि ये सबके लिए एक जैसा है और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। इवन इन कोई पर्सनल रिलेशन है, ठीक है ना, इवन इफ ओनर का ही कोई सगा है, संबंधी है, तो भी डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी इम्पर्सनल। हमारा कोई फेवरेट इम्प्लॉय है तो इसको हम कम देंगे, ये तो बिल्कुल पहले दिन से आंख में खटक रहा है तो इसको आज ही निकाल दो, ऐसे नहीं करेंगे। दैट शुड बी इम्पर्सनल, जिसमें कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बस रेड हॉट स्टोव से कंपेयर किया है, राइट। अब एक और है, जुडिशियल अप्रोच टू डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इन इंडिया। इंडिया में क्या जुडिशियल अप्रोच है, हम लोग बहुत पहले जब मैं वो देखती थी जोधा अकबर सीरियल देखती थी, तो हमेशा उसमें अकबर के मुंह से मैंने सुना है कि उनके कोर्ट में क्या होता था कि 100 अपराधी भले ही छूट जाए, एक निर्दोषी को सजा नहीं मिलना चाहिए। दैट इज वर्ड बेस्ड ऑन नेचुरल जस्टिस। हम अभी भी नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर ही जस्टिस करने में बिलीव करते हैं कि जब तक आपको पक्का ना हो जाए, ठोक बजा के हर तरीके से, हर एंगल से चेक कर लो, जब तक ये पक्का ना हो जाए कि यही दोषी है, उसको सजा मत दो, ठीक है। तो यही चीज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में भी आता है, ठीक है। हाउ कम, डिसिप्लिनरी एक्शन, ठीक है ना। आपको डिसिप्लिनरी एक्शन अगर लेना है तो ये कुछ स्टेप्स है, देर आर 5 स्टेप्स जो आपको फॉलो करना चाहिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेने से पहले। सबसे पहले, अगर कोई गलती हुई है और आपके सामने वो केस निकल के आया है और इसमें वो किसी पर दोष लगाया गया है कि उसने ये किया, ठीक है ना, उसने किसी से मार धार किया, वो अल्कोहल पी करके आ गया था, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया, उसने कुछ टूल्स तोड़ दिया, कुछ इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, किसी भी तरीके की कोई गलती हुई उससे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको एक लेटर इशू करेंगे, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन इज टू इशू अ लेटर ऑफ टू इशू अ लेटर टू वॉट एवर जिसपे के भी ऊपर ये एलिगेशंस लगाया गया है, आप उसको पहले एक लेटर इशू करिए, ठीक है ना। वो लेटर क्या होगा, दैट इज वो उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन होगा कि क्या आपसे मिसकंडक्ट हुई है, ये आप पे दोष लगाया गया है। एक तरीके का चार्जशीट जैसा होगा, जो चार्जशीट हम उनको इश्यू करेंगे, ठीक है ना। चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट और इनडिसिप्लिन उसमें प्रिसाइजली स्टेटेड रहेगा, ठीक है। और उनसे बोला जाएगा कि आप अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, देने के लिए आइए, ठीक है। इस तरीके का बचकाना, डिलीक्विट मतलब बचकाना हरकत, इस तरीके का बचकाना, अगर आपने कोई काम किया है, गलत काम किया है, तो आप इसका जो भी एक्सप्लेनेशन आपके पास है वो आप आकर के दीजिए, जो भी पर्टिकुलर प्लेस है, ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट में ही पहले ये होता है, और उसको सफिशियंट टाइम दिया जाएगा इस एक्सप्लेनेशन के लिए आने के लिए, ठीक है। 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन जितना भी देना है, इससे ज्यादा नहीं होगा। कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, अब जब वो आंसर देगा, हो सकता है वो आके दे, हो सकता है वो लेटर के रिप्लाई में अपने तरफ से भी एक लेटर भेजे, ठीक है ना। अब आप उसको देखिए, पढ़िए, अगर वो लेटर एक्सप्लेन करता है प्रॉब्लम को और आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड था, उसने किस लिए किया, उसका कुछ रीजन है, ठीक है ना, अगर वो ठीक है, लगता है कि ठीक है, इसको कंसीडर किया जा सकता है, उसके सजा को कुछ कम किया जा सकता है, तो आपको डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप मिनिमाइज कर दीजिए उसकी गलतियों को, थोड़ा माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट सेटिस्फाई नहीं है उसके एक्सप्लेनेशन से, देन क्या होगा, देन वो दूसरे स्टेप में सो कॉज नोटिस इशू करेगा, ठीक है ना। कारण बताओ नोटिस जिसको बोलते हैं, सो कॉज नॉट नोटिस वो एलिज एम्प्लॉय पर इशू करेगा। अब सो कॉज नोटिस क्या होता है, सो कॉज नोटिस इज इशूड बाय द मैनेजर जब उसको जो भी प्राइमा फेसी, जो भी प्रथम दृष्टा इसको बोलते हैं, पहले देखने से जो भी लगता है, वो लगता है कि एम्प्लॉयज का जानबूझकर किया गया ये गलती है, उसने इंटेंशनली इस चीज को तोड़ा है या ब्रेक किया है या ये रूल को अनदेखा किया है, ठीक है, तो वैसे में वो सो कॉज नोटिस भेजेगा
उस एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय को एक और चांस देगा, ठीक है ना, एम्प्लॉय को ये सोपोज नोटिस एक और चांस देता है अपने मिसकंडक्ट को या अपनी जो भी उसकी गलती हुई है उसके अगेंस्ट बातें रखने के लिए कि उससे ये क्यों हुआ, ठीक है ना। प्रॉपर इंक्वायरी उसके बाद इनिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो इंक्वायरी शुड आल्सो बी इनिशिएटेड बाय फर्स्ट सर्विंग हिम ए नोटिस ऑफ इंक्वायरी इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ इंक्वायरिंग ऑफिसर, डेट एंड प्लेस। ये सो कॉज नोटिस के बाद एक इंक्वायरी बैठाया जाता है जिसपे उस पर लिखा रहेगा कि कौन इंक्वायरी ऑफिसर है, कहाँ पे होगा, टाइम क्या है, डेट क्या है, सो दैट उस टाइम पर दोनों पार्टीज प्रेजेंट रह सके, ठीक है। क्लियर हुआ? मैम सेकेंड वाला जो था कंसिडरेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन देगा अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब देना होगा तो शो सो कॉज कॉज। बिल्कुल, नहीं तो वहीं पे खत्म, ठीक है ना। ये 5 स्टेप है, कहीं पे भी खत्म होता है जहाँ पे मैनेजमेंट कन्विंस हो गया एम्प्लॉय के एक्सप्लेनेशन से। सो कॉज नोटिस में आपको कारण बताओ, यानी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर एक्सप्लेनेशन, सो आप कारण बताओ कि आपने ये गलती क्यों की, ठीक है ना। अभी तक तो ये बोला गया कि आप पे ये केसेस हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, अगर नहीं करते तो एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है, आप अपना पक्ष रखिए। उसके बाद अगर नहीं सेटिस्फाइड है मैनेजर तो सो कॉज नोटिस भेजेगा। सो कॉज नोटिस भेजने के बाद इंक्वायरी का डिटेल भी भेजेगा उसमें कि आप कब, किस दिन डोमेस्टिक इंक्वायरी होगी, कौन इंक्वायरी ऑफिसर होगा, टाइम, डेट एंड प्लेस कहाँ पे होगा, सो दैट आप अपने आप को प्रेजेंट कर सके उस टाइम में, होल्डिंग ए फुल प्रेजेंट इंक्वायरी। उसके बाद उस टाइम, डेट, प्लेस पे उस इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा, ऑब्वियसली वो इंक्वायरी ऑफिसर अगेन न्यूट्रल पर्सन होगा जिसका किसी पक्ष से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। वही होगा उसको, वो इंक्वायरी ऑफिसर अगेन उस जो भी कल्प्रिट है उसको पूरा सुनने का मौका उसको दिया जाएगा, पूरी बात उसको रखने के मौके मौका दिया मिलेगा, और वो अपनी पूरी बात रख सकता है अगेन ऑन द बेसिस ऑफ जो एविडेंसेस है, जो फाइंडिंग्स है, रिकॉर्डेड है, जो जितना कुछ उनके पास अवेलेबल एविडेंसेस रहेगा और जो उनके पास लोग विटनेसेस रहेंगे उसके बेसिस पे इंक्वायरी ऑफिसर नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन को सजेस्ट करेगा कि क्या इसके अगेंस्ट क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए, मेक ए फाइनल ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शन इज टू बी टेकन, अब लेना है व्हेन द मिसकंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज प्रूव्ड, जब साबित हो जाए कि ये गलती हुई है, उसने ये गलती जानबूझकर की है, तभी आप उसको क्या करिए, एक फाइनल ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट आपको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब व्हाइल डिसाइडिंग द नेचर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन द एम्प्लॉयज प्रीवियस रिकॉर्ड हैज बीन टेकन केयर, पहली बार गलती हुई है, ठीक है, गलती बहुत सीरियस बहुत ग्रीम तरह का है, लेकिन इससे पहले उसने कोई गलती नहीं की, वो बहुत अच्छा परफॉर्मर भी रह चुका है, वो एम्प्लॉय के, वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में बहुत अच्छे अच्छे काम कर चुका है। ये सारे बैक रिकॉर्ड्स और ट्रैक रिकॉर्ड्स को भी चेक करना है, क्योंकि हो सकता है अगर वो अच्छा है, गलती से उससे ये गलती हुई है, ये ग्रीन गलती हुई, तो आप क्या कर उसको सस्पेंड कर दे सकते हैं, ठीक है ना, 6 महीने के लिए सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दो, 6 महीने के लिए उस काम से टर्मिनेट हो गया, उसके बाद वो ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसका यही धर्रा ही है, ठीक है ना, एवरी नाउ एंड देन उसके बारे में ऐसी शिकायतें आती रहती है, बिल्कुल सर दर्द हो गया, आप उसको रखना, डिस्चार्ज कर दो, हो सकता है। तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड चेक होता है, हर एक एम्प्लॉय का अपना रिकॉर्ड मेंटेन होता है एचआर के पास, जिसको चेक करके आप देख सकते हैं कि ये कितना काबिल है, कितना अभी इसको कम सजा दिया जा सकता है, जिससे कि ये अब ये कम सजा के पार्शियल नहीं होगा कि हमारे जान पहचान कर तो उसको कम दो, नहीं, उसके ट्रैक रिकॉर्ड के बेसिस पर उसका वो कितना इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉट जस्ट कि वो कितना काम किया, इसे पहले उसने कितना कुछ किया है ऑर्गेनाइजेशन के फेवर के लिए, इन सब चीजों को देखते हुए आप उसको डिसिप्लिनरी जो भी उसका पनिशमेंट होगा उसमें थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे कहा ना, अगर बहुत ग्रीम प्रॉब्लम है तो आप सस्पेंड कर सकते हैं, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर उसकी हरकत ही ऐसी है, ठीक है ना, तो आप क्या करें उसको डिस्चार्ज कर दो, ठीक है ना, उसको टर्मिनेट कर दो उसके एम्प्लॉयमेंट को, ये भी हो सकता है। नाउ फॉलो अप, आफ्टर टेकिंग द डिसिप्लिनरी एक्शन अ प्रॉपर फॉलो अप एक्शन हैज टू बी टेकन एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। कहीं भी कुछ हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग में कोई डिसीजन लेंगे या फिर यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन में लेंगे, कोई भी प्लान हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो फॉलो नेसेसरी होता है। वाई? जस्ट टू सी कि इसका कितना इफेक्ट पड़ा आगे से डिसिप्लिनरी एक्शन को रोकने, आगे से इस तरीके के मिसकंडक्ट वाले बिहेवियर को रोकने के लिए, क्या स्टिल एम्प्लॉयज आर डूइंग द सेम थिंग, हाँ, या फिर कमी आई है उस प्रॉब्लम्स में, अब मिसकंडक्ट
बहुत कम हो गया है, नहीं हो रहा है, गाहे बगाहे ऐसा केस आता है, ये हुआ क्या, फॉलो अप रखना। समझ में आया? जिसको इसी को ओवरऑल हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करना, कि किसी भी ऐसे लोगों को पनिशमेंट ना मिले जो जिस पे सिर्फ शक है, उस पे अगर प्रूफ नहीं हो पाया सजा तो आप उसको रहने दीजिए, ठीक है ना। ये तुम्हारा खत्म हो गया आज का, ये क्या था, एम्प्लॉय डिसिप्लिन। अब बचा कलेक्टिव बार्गेनिंग, है अभी क्षमता वो भी झेलने का, जस्ट लेट मी नो, तो मैं अभी वो भी पढ़ा सकती हूँ, नहीं तो आप अपने हिसाब से बता सकते हैं मुझे। मैं आपको फ्री करना चाहती हूँ सो दैट आप अपने एग्जाम पर फोकस कर सके, और चूंकि 24 को शायद मेरे ख्याल से ये एग्जाम है ना तुम लोगों का, तो 24 से पहले अगर कोई छुट्टी है, कोई संडे है, कुछ ऐसा है और उस दिन तुम चाहते हो कुछ मैं बताऊं तो मैं बता दूंगी। बोलिए। उस टाइम समय नहीं रहेगा, मिल जाएगा ना, समय नहीं रहेगा क्योंकि हर एग्जाम के पहले एक ही दिन है। ओके, तो अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग भी कर ले। ओके मैम, मैंने टाइम ले लिया है इसलिए सबसे कि अभी मुझे कोई टोकेगा नहीं, मैं जितना भी प्रॉब्लम है सबको खत्म कर दूंगी। चलो मैं दूसरा कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसका मैंने कल भेजा था, ये भी सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, बस एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, ये जो व्हाइट कॉलर दिख रहा है ना, इसको जरूर पढ़ के जाना क्योंकि लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन था। अब तुम्हारे में आए ना आए डोंट नो, बट व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर मैं थोड़ा समझा देती हूँ। अगेन इट इज लाइक मेटाफोर कि व्हाइट कॉलर ऑफिसर्स के लिए यूज किया जाता है, जो काम करते हुए जिनके कपड़े गंदे नहीं होते, तो ऑब्वियसली जो केबिन में बैठ के काम करते हैं उनके कपड़े गंदे नहीं होते, इसीलिए उनको व्हाइट कॉलर बोलते हैं। और रूरल आए या फिर ब्लू कॉलर आए, आपको एक ही चीज लिखना है क्योंकि रूरल यूनियन पे कुछ बहुत ज्यादा लिखा पड़ा गया नहीं गया है, तो वो ब्लू कॉलर से ही बिलोंग करेगा। वैसे लोग जो काम करते हुए जिनके कपड़े गंदे होते हैं उनको आप रूरल यूनियन या फिर ब्लू कॉलर यूनियन में रख सकते हैं, ठीक है। यस मैम, इसको जो डिफरेंसेस है ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर के बीच में वो पढ़ के जाना, ठीक है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी अभी बताऊं क्या, या कलेक्टिव बार्गेनिंग पे चले जल्दी। चलो ऐसा करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग अभी कर लेते हैं और ये कल कर लेंगे, परसों से एग्जाम है ना। यस मैम, किस चीज का एग्जाम है परसों? सर्विस मार्केटिंग। किसका? सर्विस मार्केटिंग। मैम आपका पेपर 22 को है ना, 24? अच्छा, लास्ट ही है ना लेकिन ये। यस मैम, लास्ट 24। मैम व्हाइट कलर वाला पहले करा चुकी है, ठीक है, मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग बता देती हूँ, वो पढ़ के देखना, जिन लोगों ने वो क्लास नहीं किया होगा पढ़ के देखिएगा, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया तो मुझे किसी भी टाइम बोलना, मैसेज कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो ये शेयर हुआ क्या, कलेक्टिव बार्गेनिंग का दिख रहा है या नहीं? नो अभी तक तो नहीं। नो मैम, ठीक है, ठीक है। अभी दिख रहा है ना? Yes. कुछ नहीं, कलेक्टिव बार्गेनिंग अगेन ये हम लोगों को पहले से पता है क्योंकि हमने शॉर्ट नोट्स में पढ़ा हुआ है कि इट इज गिवन बाय बेट्रिस एंड सिडनी वेब, ठीक है ना। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जो व्हेन ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर कमिंग टुगेदर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम और कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने थ्रू नेगोशिएशन, बातचीत से, ठीक है ना, इस तरीके के प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है ना। वेल कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर एसोसिएशन कमिंग टुगेदर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे भी हो सकता है और इंडस्ट्री बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट डेफिनेशन यहाँ मैंने डेफिनेशन एक ही लिया है क्योंकि बाकी डेफिनेशन काफी बड़े बड़े थे तो मैंने वो रहने दिया, ठीक है ना। डेली ऑर्डर ने इसको एक्सप्लेन किया है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एसेंशियली प्रोसेस इन विच एम्प्लॉइज एक्ट एज अ ग्रुप इन सीकिंग टू शेप कंडीशंस एंड रिलेशनशिप इन देयर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसके थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड हो, जो मिनिमम, मैंने वो सारे लिख दिए हैं पॉइंट, मिनिमम वेजेस से रिलेटेड हो, जो बोनस से रिलेटेड हो, जो इंसेंटिव से रिलेटेड हो, जो आपके टूल्स मशीनरी से रिलेटेड हो, जो और भी जो भी एम्प्लॉई के वर्किंग कंडीशन को डिफाइन करता है उन चीजों से रिलेटेड हो, ठीक है।
तो क्या कहा गया यहाँ पे, डेली ऑर्डर ने क्या कहा कि जहाँ पे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन को शेप करने की कोशिश करते हैं थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव से कलेक्टिव बार्गेनिंग का सबसे पहले म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना जरूरी है। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विदाउट इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पार्टी, जहां पे तीसरे पार्टी को आना ना पड़े, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, दोनों पार्टी आपस में मिलकर के आपस के प्रॉब्लम्स और सहूलियत को देखते हुए बनाए। टू क्रिएट कॉर्डियल एनवायरनमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली फ्रेंडली रिलेशनशिप या एमिकेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, दो कलेक्टिव एक्शन एंड बाय प्रिवेंटिंग यूनिलैटरल एक्शन, यूनिलैटरल एक्शन यानी अपने मन से एम्प्लॉयर या अपने मन से एम्प्लॉय कोई भी काम नहीं करेगा। जब भी स्ट्राइक पे जाना है नोटिस दे के जाओ, अगेन इट इज क्या, कम से कम आप बता के तो जा रहे हैं ना, है ना। रिट्रेंचमेंट करना है तो नोटिस दे के करिए, ले ऑफ करना है बता के करिए कि कितने लंबे समय के लिए आप ले ऑफ कर रहे हैं और वापस कब उनको एब्सॉर्ब करने वाले हैं, है ना, टेम्पररी होता है ना ले ऑफ। तो ये क्या है कि कोई भी यूनिलैटरल एक्शन नहीं लेगा, एक तरफा नहीं होगा, दोनों तरफ से बातचीत करके कोई एक्शन लिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड टू रेज द सोशियो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि उनके सोशल और इकोनॉमिकल स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ये सब तो बात बना सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अभी आते हैं स्टेप्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, 5-6 कहीं कहीं आपको 7 स्टेप्स भी मिलेंगे, मैंने सबसे कॉम्पैक्ट जो है वो आपके लिए लिया है। These are the steps of collective bargaining: preparing for negotiation, propose key demands, फिर negotiations, फिर agreement reached, and then administration यानी implementation of that particular agreed point. ठीक है ना, इसका normal मतलब ये 5 step, ये याद रखना, diagram बना देना, एक पेज भर देना diagram बना के, दूसरे पेज में लिखना शुरू करना। पहला point, preparing for negotiation, मतलब क्या, निगोशिएशन के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो निगोशिएशन टीम होना चाहिए। इस टीम में कौन होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर होंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज होंगे, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव ट्रेड यूनियन के रूप में होते हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स चुन सकते हैं। और उसके बाद जब ये निगोशिएटिंग टीम डिसाइड हो जाएगा, इनका नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, जो किस मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं, किस मुद्दे पे डिस्कशन होने वाला है, निगोशिएशन होने वाला है, उस मुद्दे का पूरा बैकग्राउंड, पूरे केसेस, कितनी बार इससे पहले इस पर मीटिंग हो चुका है, क्या क्या ऑर्डर दिया जा चुका है, कितना वो फॉलो अप किया गया, कितना नहीं फॉलो अप किया गया, ये सब कुछ तैयारी होगा प्रिपेयरिंग फॉर निगोशिएशन, यानी बातचीत से पहले, एग्जाम से पहले तुम जितनी तैयारी करते हो ना, उसी तरीके के दोनों पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स को, निगोशिएशन पॉइंट्स को लिख करके रखेंगे कि हमको कौन कौन सा मुद्दा उठाना है, क्या क्या उस पर पहले किया जा चुका है, क्या क्या किया जा चुका लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और किस तरीके से इसको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। पूरी तैयारी दोनों पार्टी अपने अपने साइड से करेगा बातचीत के लिए इसमें, ठीक है। प्रपोजेस की डिमांड्स और प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स, निगोशिएशन के लिए जब आपने कर लिया क्या क्या बात करना है, अभी तक का जो भी उस चीज से, उस मुद्दे से रिलेटेड जितना कुछ हो चुका है ऑर्गेनाइजेशन में, उसका एक ब्रीफ समरी तैयार कर लिया, एम्प्लॉयज अपने फेवर में तैयार करेगा, एम्प्लॉयज अपने फेवर में तैयार करेंगे। नाउ प्रिपरेशन ऑफ डिमांड्स, ये बेसिकली काम है यूनियन का या एम्प्लॉयज का, क्योंकि मैनेजमेंट क्या डिमांड रखेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट नॉर्मली यही कहता है कि आपकी प्रोडक्ट, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, आप अपना काम ज्यादा करिए, ठीक है ना, हम आपके लिए ये सुविधाएं दे रहे हैं। तो नॉर्मली उसके लिए निगोशिएशन नहीं करना पड़ता, उसके लिए तो वो मीटिंग करते हैं और बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है। इफ यू वांटेड कि मैनेजमेंट हमारी कुछ शर्तें माने या हमारी बातों को ध्यान में रखे, तो यू हैव टू प्रिपेयर विद डिमांड। वहां पर जाके ब्लैंक नहीं होना है ना, वहां पता तो करना है कि क्या क्या मांगना है, सैलरी में ग्रोथ मांगना है, लीव मांगना है, कितना ज्यादा आपका पेड लीव हो सके या फिर कैरी फॉरवर्ड हो सके, पेड लीव कितना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, बोनस कोड का टाइम डिसाइड करिए, ये सब कुछ हम डिमांड के रूप में रखते हैं। पर हमारी बेसिक कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट्स होते हैं वहां पर उसके वजह से, तो क्या यूनिफॉर्म होना जरूरी है, कौन से टूल्स होने जरूरी है जिससे सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, इस तरीके का डिमांड्स। तो नॉर्मली इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ से होगा, एम्प्लॉइज के साइड से होगा, और एम्प्लॉइज को कौन रिप्रेजेंट करता है, ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन हैज टू डू देयर होमवर्क इन दिस फॉर्म कि आपको डिमांड क्या क्या करना है एम्प्लॉइज से।
दो स्टेप हो गया क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट है निगोशिएशन प्रोसीजर। अब क्या है निगोशिएशन प्रोसीजर में, अब बातचीत शुरू होगी, दोनों पार्टी के लोग बातचीत करना शुरू करेंगे, एक्टिवली बात करेंगे और जो भी एक्टिविटीज किया जाएगा उसको लिस्टिंग किया जाता है, यहाँ पे लिख करके रखा जाता है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को प्रिपेयर किया जाता है, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद कौन सी बात। और दोनों ही निगोशिएटर यानी ट्रेड यूनियन के लीडर्स और एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दोनों ही के दिमाग में क्लियर एजेंडा होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे निगोशिएट कर रहे हैं, पूरा उनका दिमाग क्लियर होना चाहिए एंड देन कॉन्फिडेंटली उस चीज को वो एड्रेस करें, ठीक है, बातचीत करें। फाइनली यहाँ पे बातचीत होगा एंड देन रीचिंग टू द एग्रीमेंट, जब आप निगोशिएशन कर रहे हैं देन आपको कुछ शर्तें, सारी बातें तो नहीं मानी जाएगी, सारे डिमांड्स नहीं मान जाएंगे, तो बी रेडी कि प्रायोरिटाइज कौन से पॉइंट को करना है, कौन से पॉइंट को हम पहले रखेंगे और वो सारे चीजें जो पहले रखेंगे वो मानेंगे इम्प्लॉयज, दो चार पॉइंट जितने मान लिए, ठीक है ना, और वो किस शर्त पे माना गया है ये सारा उस एग्रीमेंट का हिस्सा बनेगा कि उसके लिए क्या क्या क्लॉज और ऐड किया गया है, क्या क्या एम्प्लॉय साइड से और करने की जरूरत है, फिर ये सारे बातें एग्रीड है, उसको नोट डाउन करके वो एक डिसीजन हो जाएगा उस एग्रीमेंट का, उस निगोशिएशन का, और वो निगोशिएशन दोनों ही तरफ के लोग उस पे साइन करेंगे उस पेपर पे और वो अग्रीड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ दिस इज न्यूली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द मैनेजमेंट, ठीक है। बस अब क्या करना है, अग्रीड कर लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है अभी के लिए इतना मानते हैं हम आपकी शर्त, और एम्प्लॉय भी उतने से खुश है, विन विन सिचुएशन। तो यहाँ पे अब उस एग्रीड पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ है, मेक श्योर कि ये इम्प्लीमेंटेशन डिलेड ना हो, जो भी रेटिफाइड एग्रीमेंट लिया गया उसको तुरंत से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, और अगेन फीडबैक एंड फॉलो अप बहुत जरूरी है इस पॉइंट पे भी। अगर कोई डाउट है एग्रीमेंट को लेकर के, तो चूंकि वो लिखा गया है, ठीक है ना, जिस समय हम निगोशिएशन कर रहे होते एक एक पॉइंट को लिखते जाते हैं, ठीक है ना, लिखते जाते हैं, तो अगर कोई डाउट है तो आप वापस से रेफर कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे क्या अग्रीड हुआ था, ठीक है ना। अगर वो लिखित नहीं रहेगा, ओरल रहेगा, तो अगेन ये बोन ऑफ कंटेंशन बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया। मेरे ख्याल से तो उसी ये भी चाह रही थी कि ये भी मैं बता दूं, टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कितने तरीके का कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, ठीक है, सिंपल किस किस बेसिस पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। एक है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स को लेकर के होता है, जैसे वेजेज इंक्रीमेंट, बोनस और फाइनेंशियल इशूज, इनको लेकर के हम डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है ना। वन पार्टी, इसमें क्या होता है, एक पार्टी जीतती है दूसरे पार्टी के एक्सपेंसेस पे, यानी एक को हारना पड़ेगा, एक को गिव अप करना पड़ेगा तो दूसरा जीतेगा, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग कहलाता है, ठीक है, क्लियर है। यानी हियर वन पार्टी विंस एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर, एक को कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ेगा और दूसरा विन विन हो जाएगा, ठीक है ना। या तो एम्प्लॉयज अपना बोनस छोड़ेगा, सैक्रिफाइस करेगा कि चलो अभी हम छोड़ते हैं अपना बोनस, ठीक है ना, या फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा, उनको बोनस बढ़ा के देगा। तो एक को तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना ज्यादा दूसरे को खुश करने के लिए, दैट इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है, जहाँ पे दोनों ही पार्टी खुश है, दोनों ही पार्टीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ, विन विन सिचुएशन, ठीक है ना। तो ऐसे में इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में बताती हूँ कैसे हम कर सकते हैं कि ठीक है, हम अपना एक और एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक और यूनिट बना रहे हैं, वहां जो भी लोग सीनियर एज ए सीनियर जाएंगे हम उनको प्रमोशन देंगे और वहां पे काम क्या रहेगा, बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। तो जो लोग प्रमोटी है उनको खुशी किस बात की रहेगी कि मुझे प्रमोशन मिला, मुझे ऊपर का ओहदा मिला, और इम्प्लॉयर को किस बात की खुशी होगी कि हमने अपने ही यहाँ के एक्सपीरियंस लोगों को वहाँ पे थोड़े से सैलरी में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम हैंडल करने के लिए दिया। अगर हम बाहर से हैंडल करते, बाहर से हायरिंग करते, इतने ही एक्सपीरियंस मैनेजर, तो शायद वो बहुत कॉस्टली होते और फिर वो उतने लॉयल भी नहीं होते जितने की एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ना। तो ये विन विन सिचुएशन, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग यानी बोथ पार्टी हैड सम बेनिफिट, उस एग्रीमेंट को मान के दोनों ही में कुछ ने कुछ हासिल किया है। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग, सिंपल पे बेस्ड पेमेंट, ठीक है ना, इससे ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे,
ठीक है, ये भी होता है ना, अपार्ट फ्रॉम फिक्स्ड वेजेस आई एम गोइंग टू गिव यू बोनसेस और इंसेंटिव्स और व्हाटएवर ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोडक्टिविटी। तो क्या है, प्रोडक्टिविटी एंड पे से रिलेटेड जो डिस्कशन होगा, जो निगोशिएशन होगा, उसको हम प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में रख सकते हैं। क्लियर हुआ? ये एम्प्लॉयर करते हैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, इनहांस करने के लिए। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट इज कंपोजिट बार्गेनिंग। कंपोजिट बार्गेनिंग क्या होता है, नॉर्मली ये जो है वो डायरेक्टली पे से रिलेटेड नहीं होता है। दीज नेगोशिएशंस आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद पे हाइक और लाइक, ये एसोसिएट होता है एम्प्लॉय के वेलफेयर से, एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म तक रिटेन करके रखने के लिए उनकी जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड कंपोजिट बार्गेनिंग होता है। तो जो भी बार्गेनिंग, जैसे कि रिटेंशन पॉलिसी, जैसे कि आपको लोन दिया हमने और बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे लोन दिया और आप 5 साल में इसको पे बैक कर सकते हैं, गारंटी हो गई ना एम्प्लॉयर को कि 5 साल तक तुम रुकोगे जब तक तुम ये लोन पे बैक नहीं कर देते हो, है ना। कंपोजिट बार्गेनिंग की हम अपने एम्प्लॉयज को रोकने के लिए कौन कौन सा कदम उठाना चाहते हैं, ये बहुत ज्यादा लुभावना होता है जिससे कि एम्प्लॉयज रुक जाए, ठीक है ना। वो इसको जैसे ESOP, वेरी गुड, ESOP इसी में आता है, ठीक है ना। इट इज एक्चुअली अ रिटेंशन स्कीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे आप स्टॉक ऑप्शन इशू करते हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद ही उसको लिक्विडेट करके ले सकते हैं, बीच में गए तो उनका वो पैसा गया, है ना। तो ये सब कंपोजिट बार्गेनिंग होते हैं, जो वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए, जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और एम्प्लॉय को क्या फायदा है कि अपने एम्प्लॉय ट्रेंड किए, एम्प्लॉय सीखे हुए, एम्प्लॉय ज्यादा लंबे समय तक काम करते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं किया स्कूलिंग यहाँ पे किया और बेनिफिट किसी और को दे रहे, ऐसा नहीं किया। तो कंपोजिट बार्गेनिंग समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या बोल रही हूँ। एंड द लास्ट वन इज कंसेशनरी बार्गेनिंग। कंसेशनरी बार्गेनिंग मतलब क्या हुआ, हियर एम्प्लॉय सैक्रिफाइसेस सम ऑफ द बेनिफिट टेम्पररीली व्हेन एम्प्लॉयर आर गोइंग थ्रू सम इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है ना। जब एम्प्लॉयर के दिन अच्छे नहीं है, तुम समझ लो बहुत बहुत ढीला डाला स्थिति में है, अभी पे नहीं कर सकता आपको बोनस या इंसेंटिव्स या व्हाटएवर, देन एम्प्लॉयज निगोशिएट कि ठीक है हम अभी अपना सेक्रीफाइस करते हैं ये पर्टिकुलर चीज, लेकिन जब दिन फिरेंगे आपके तो देन यू विल गिव अस गुड अमाउंट, ठीक है ना। समझ में आया? तो ये कंसेशन होता है यहाँ पे, एम्प्लॉयज अग्री करते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए ताकि उनको बाद में आफ्टर लॉन्ग रन उनको बेनिफिट मिले इस चीज का। समझ में आया? ये 5 ही टाइप के बार्गेनिंग है। और अब फाइनली मैं थक चुकी हूँ, एंड नाउ स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप भी बस इतना ही याद रखिए, अगर पूछेगा तो आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, और अगर सेम ही एक ही क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखो स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये कौन कौन से फील्ड पे, कौन कौन से एरियाज में कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। वेजेज, वेजेज से सैलरी, वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर, ओवर टाइम, रिटायरमेंट बेनिफिट, इंसेंटिव पेमेंट, सब आ गया वेजेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद आया आवर ऑफ वर्क, ठीक है ना। आवर ऑफ वर्क में वर्किंग आवर, ओवर टाइम, हॉलीडेज, शिफ्ट वर्क, ये सब कुछ इसमें आ गया, ठीक है। एक सेकेंड,